भवनाथपुर से संवाददाता अयोध्या कुमार का रिपोर्ट। भवनाथपुर की जनता पावर प्लांट का कर रही है इंतजार, ध्यान से भटकाए नहीं जेएमएम के नेता मधुलता कुमारी। भवनाथपुर भारतीय जनता पार्टी मंडल इकाई भवनाथपुर के द्वारा आज महिला मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर करारा प्रहार किया। भाजपा जिला मंत्री मधुलता कुमारी ने कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों की नींद खुलती है। जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो आम जनता से अपने पिछले कारगुजारियों को छुपाने के लिए महिला को आगे करते हैं, जबकि जनता सब जानती है। आज भी 19 दिसंबर 2014 को तत्कालीन पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी के द्वारा हजारों लोगों की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा भवनाथपुर टाउनशिप में पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया है। और जो याद है, बोला गया था कि लगभग 10,000 बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिलेगी। आज भवनाथपुर के नौजवान सहित यहां की जनता पावर प्लांट के लगने का इंतजार कर रही है। आगे कहा कि आने वाले चुनाव तक कार्य लगना चाहिए, क्योंकि संयोग से पुनः झारखंड में जेएमएम की सरकार है और माननीय हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री हैं। बहुमत की सरकार है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी एवं ताहिर अंसारी जी को चाहिए कि तत्काल कार्य शुरू करवाएं, तब भवनाथपुर की जनता आप लोगों का सवाल सुनेगी। से मैं बताना चाहती हूं कि इससे पहले पूर्व में जिला परिषद में कॉन्फ्रेंस कर हमारे माननीय विधायक जी के ऊपर वो आरोप लगाई थी कि ये जो शिलान्यास हो या कोई भी उद्घाटन हो उसमें मेरा नाम नहीं जोड़ा जाता। तो मैं अपने जिला परिषद महोदया से एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये जेएमएम के पार्टी से वो जिला परिषद हैं, और दूसरी बात है कि वो उनकी पार्टी से अभी झारखंड में सरकार है और झारखंड के सरकार के वो मंत्री हैं गढ़वा जिला। तो ये अपने लेटर पैड के माध्यम से अपने सरकार को एक लिखित देवे कि झारखंड में शिलापट पे नाम, जो शिलापट पे नाम होता है माननीय विधायक जी का, सांसद जी का, वो वार्ड सदस्य, मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद का नाम भी प्रदेश से स्टार्ट हो और गढ़वा जिला से पहले शिलापट पे नाम लिखवाने का काम करें, उसके बाद भवनाथपुर विधानसभा में नाम हमारे विधायक जी पीछे नहीं रहेंगे। वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद, सभी लोग का नाम उसमें अंकित रहे। पहले नाम प्रदेश से मंत्री जी झारखंड से स्टार्ट करें, उसके बाद विधानसभा भवनाथपुर में स्टार्ट होगा। दूसरी बात, उनका जो है भी सरकार अपने रीजन में पावर प्लांट का शिलान्यास किए थे, झूठा शिलान्यास करके अभी तक वंचित रहे। हमारी जनता, भवनाथपुर विधानसभा के जितने भी जनता है, आस लगा के बैठी हुई है कि ये पावर प्लांट कब स्टार्ट होगा। मैं कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछना चाहती हूँ महोदया से कि अपनी सरकार से ये मांग क्यों नहीं करती, ये शिलान्यास जो किए हैं, झूठा शिलान्यास जो किए हैं, ये कब सच होगा, ये पहले कॉन्फ्रेंस कर माध्यम से हम लोग को बताया जाए और झारखंड से पूछ कर बताया जाए कि हम लोगों के बीच ये शिलान्यास जो हुआ है वो कब काम लगेगी और यहाँ के जनता उसमें काम करेंगे और हमारा पावर प्लांट भवनाथपुर विधानसभा में लगेंगे। तीसरी बात, अभी झारखंड सरकार जो है, अभी जो बैठी हुई है केंद्र में सरकार, जो राज्य में बालू जो है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के रीजन में हमारी सरकार जो थी माननीय रघुवर दास जी, 1500 ट्रिप के ट्रिप हम लोग को बालू मिलता था, लेकिन जब से जेएमएम का सरकार बनी है तब से हमारी जनता का जो है अभी आवास मिल रहा है बालू के चलते, अभी एक भी काम नहीं हो पा रहा है, नोटिस पे नोटिस मिलते जा रहा है। बालू जो 6,000 हुआ है उसको 1500 रुपया करवाने का काम करें। मैं यही कहना चाहती हूँ अपने महोदया जी से कि ये जो आपके क्षेत्र में जो इस तरह का काम ब्लॉक से काम मिल रहा है, आपके सरकार के कारण काम नहीं हो पा रहा है, अपने सरकार को ये लिखित पत्र दे करके इस काम को, बालू को जो है
6000 से 15000 तक करवा 1500 करवाने का काम करें। हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी में नारी का 33% आरक्षण देने वाली सरकार है। हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में मान सम्मान मिलता है, जेएमएम में मान सम्मान नहीं मिलता होगा। ये इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर महिलाएं लोग के ऊपर जो है कि बदनाम किया जा रहा है कि नारी का सम्मान नहीं मिलता है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये सरकार 33% आरक्षण देने वाली सरकार है। आप इसको गलत निगाह से न देखें, अपने ऊपर देखें कि हम जिस पार्टी में है उसमें सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है। हम इस पार्टी में हैं, हम 2005 से लेकर अभी तक हैं, हमको बहुत इसमें इज्जत सम्मान मिलता है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मौके पर भाजपा नेत्री रीता देवी, रीना बारी, मंडल उपाध्यक्ष सरिता विश्वकर्मा, प्रमिला देवी, भाजपा मंडल अध्यक्ष सोना किशोर यादव, महामंत्री भानु गुप्ता, चंदन ठाकुर, अरुण गुप्ता, सुनील सिंह, ब्रजेश चौबे, सूर्यकांत राज, गुठुल रावत, चंद्रदेव रावत, रवि पाल, धनंजय शाह, जयप्रकाश गुप्ता, दयानंद प्रजापति सहित अन्य लोग उपस्थित थे। धन्यवाद। ऑनलाइन शॉपिंग और महंगाई को करें बाय बाय, क्योंकि धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर अलका इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी ब्रांड शोरूम अपने ग्राहकों को दे रहा है सबसे सस्ते कीमत पर खरीदारी करने का मौका और साथ में बड़ा वाला उपहार भी हाथों हाथ। इतना ही नहीं, आप वॉशिंग मशीन 7 kg घर ले जाइए मात्र 8,999 रुपए में और स्मार्ट टीवी 32 इंच भी उपलब्ध है मात्र 8,999 रुपए में। तो आज ही संपर्क करें अलका इलेक्ट्रॉनिक्स कचहरी रोड गढ़वा।